इसके बाद जो है हम लोग जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो ये कि हम लोग बेंडेड पोजीशन में ही बेंट ओवर रोइंग करेंगे, जो आपकी अपर बैक और आपकी मिड बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंड उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेम पोस्चर रहेगा बट एक सस्पेंडेड एंगल में रहेंगे हम लोग, एक फिक्स्ड एंगल में रहेंगे, जैसे नीचे जाते हैं उसको हम लोगों ने नीचे ही रखना है एंड उसके बाद हम लोग इसको आर्म्स को स्ट्रेट रख के पुल करेंगे अपने पेट की तरफ, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर इसको पुल करेंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर इसको पुल करेंगे। और बैक का जो एंगल है वो आपका कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपका बैक का एंगल ख़राब होगा तो आपकी बैक राउंड होगी, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारी जो स्टार्ट की दो एक्सरसाइज हैं जो हमारी पोस्टीरियर चेन के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। और उसके बाद जो है हम लोग करेंगे श्रग्स करेंगे। अब श्रग्स जो है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? श्रग्स हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके शोल्डर से जो है अटैच्ड होती है एंड वो आपके पोस्चर में, उसमें जो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो आपके पोस्चर में जो है काफ़ी हेल्प करते हैं। इसीलिए जो है हम लोगों को अपना पोस्चर अच्छा रखने के लिए, अपने शोल्डर्स को पीछे रखने के लिए, ताकि आपको जो है राउंडेड शोल्डर्स का इशू ना हो, उसके लिए हम लोगों को श्रग्स करने के लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है श्रग्स हमारी। क्योंकि उससे आपकी अपर बैक जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथन होती है, जिसकी वजह से आपके जो है राउंडेड शोल्डर्स का इशू नहीं होगा एंड आपको कभी भी अपर बैक का इशू नहीं आएगा। तो उसमें भी यही करना है कि आपने जो है एक नॉर्मल स्टांस लेना है, शोल्डर्स आपने पीछे करने हैं, शोल्डर्स आपने जो है रिट्रैक्ट करने हैं, रिट्रैक्ट करने के बाद आपने जस्ट उसको ऊपर की तरफ लेके आना है एंड डाउन, ऊपर की तरफ लेके आना है एंड डाउन। अब मैं अगर सामने से दिखाऊं तो वो ऐसा लगेगा कि शोल्डर्स पीछे जाएंगे एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये लिफ्ट अपनी कम्प्लीटली परफॉर्म करनी है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जिम्स में होता है, अगर आपके घर में जो है कोई भी अगर जिम जाता होगा तो आप उससे जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं कि जो जिम में लोग जो है श्रग्स करवाने का जो तरीका होता है वो बहुत एक मिसगाइडेड तरीका होता है, जिसमें वो लोग क्या करवाते हैं, वो लोग आपके जो है श्रग्स करवा के इसको या तो पीछे की तरफ रोटेट करवाएंगे या तो आगे की तरफ रोटेट करवाएंगे, जो आपके रोटेटर कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ हो सकती है। क्योंकि वो जो है आपके रोटेटर कफ को अच्छी तरीके से डैमेज कर देगा। अभी नहीं करेगा, स्टार्ट में नहीं करेगा, बट विद टाइम जो है रप्चर हो के पिंच हो के वो आपके जो है शोल्डर्स रोटेटर कफ को जो है बिल्कुल जो है ख़राब कर सकता है। इसीलिए आपने जब भी श्रग्स परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपने जो है शोल्डर्स को एक परफेक्ट स्टांस रख के पोस्चर अपना अपराइट रखना है, शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना है एंड श्रग परफॉर्म करके उसको स्लोली नीचे करना है। एंड इसमें आपने कोई भी जर्क मूवमेंट नहीं करनी कि आपने जो बिल्कुल बिना किसी उसके जो है अप एंड डाउन करें, आपने जो है प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन बना के मसल्स को फील करना है, जो आपके यहाँ के मसल्स हैं वो, ताकि अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हों, ताकि आपका जो पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा रहे वाइल वर्कआउट और वर्कआउट के बाद भी आपके पूरे दिन के अंदर।